मल्टीपल एंट्रेंस में क्या होगा, एक से ज्यादा पेरेंट्स होंगे और एक चाइल्ड होगा, ठीक है। जैसे ए है बी है ना, ठीक है, फादर हो गया, मदर हो गया, ठीक है, ये चाइल्ड हो गया, बेटा ही नहीं बेटी भी हो सकती है, चाइल्ड है, चाइल्ड में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, बेटे को संपत्ति थोड़ी मिलती है, बेटी भी, बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, संपत्ति तो बेटी को ही जाएगा। दोनों को डाल लेकिन स्टीव जॉब जैसा इंसान रहा तो उसकी बेटी उसकी संपत्ति भी इनकार कर देगी। स्टीव जॉब्स है ना, क्या बहुत बुरा इंसान था, तो उसकी संपत्ति लेने से उसकी बेटी ने इनकार कर दिया था, नहीं चाहिए, तो फिर वो किसी संस्था को, ट्रस्ट को शायद वो चला गया संपत्ति। चलो दे। ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, है ना, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। ये नीड कर लेगा किसको, ए को, एबी करेगा हाँ ठीक है, ना क्लास सी है ना, ये दोनों को करेगा, ठीक है, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, ठीक है। यही था ना स्ट्रक्चर, ये पेरेंट वन पेरेंट टू दोनों को चैलेंज रीड करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, ठीक है, सी आउट पेरेंट वन है ना, पेरेंट टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी है ना, ये हो जाएगा चाइल्ड है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ठीक है। सी का, पी डॉट एफ, पी डॉट जी, पी डॉट के, ठीक है। ठीक है, कर, देखो ऐसे है ना, नंबर ले लेना, ठीक है, ए और बी है ना, ठीक है, और यहाँ पे एडिशन कर देना, ए प्लस बी प्लस सी। अगला देखो मल्टीपाथ, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक पेरेंट उसके चाइल्ड्स और फिर है ना उन सारे चाइल्ड्स का एक चाइल्ड। तो रही बात, अब इसका डेटा इसके पास कैसे आएगा, तो इधर से भी होके आ सकता है और इधर से भी होके आ सकता है, तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्या होगा एम्बिग्यूटी का यहाँ पे, कि ए जो है वो इधर से आवे कि इधर से आवे, हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट एक्सेस करवाना है। डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मेथड को यहाँ पे वर्चुअली कॉल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली, ठीक है। तो ये जब यहाँ कॉल होगा ना, लिखना पड़ेगा वर्चुअल ए, और ये भी जब यहाँ नीड करेगा तो वर्चुअल ए,
इसे होगा क्या? ए ए ए बी में वर्चुअली है ना कॉल होगा, ए फिर सी में भी वर्चुअली कॉल होगा, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे भी यहाँ लिखा हमने, क्लास ए ले लिया, ठीक है, ए को निरीट करवा देते हैं बी में, देखना भी ध्यान से, पब्लिक है, सी है इसमें भी कॉल करवा दो, ठीक है। पेरेंट पेरेंट वन, पेरेंट टू, के ठीक। फिर उसके बाद क्लास डी ले लो, और यहाँ पे बी और सी दोनों को नियुक्त कर लेंगे, पब्लिक बी पब्लिक सी, ठीक। अब यहाँ पे पब्लिक वाइट एम ले लो, सी आउट, अब जी किसका बनाएंगे? डी का, ठीक डी का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सबसे निचला चाइल्ड तो वही है, एफ जी के और एम है ना, एम था ना, एम ही तो है, रन कर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ इज एम्बिग्यूस, क्या बोल रहा है, एफ इज एम्बिग्यूस, ठीक है। ये जो एफ कॉल हो रहा है ना, ए वाला, वो यहाँ दिक्कत कर रहा है कॉल करने में, कि हम किससे लेके आवे, ए से लेके आवे कि बी से लेके आवे, मतलब इसे बी से लेके आवे कि सी से लेके आवे। यहाँ पे ये जो हो रहा है के कॉल, ठीक है ना, ये जो एफ आ रहा है किसके पास, डी के पास, ठीक है, डी का ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो डी के पास जो ये एफ आ रहा है वो दो रास्ते से हो रहा है, बी से और ठीक सी से, तो वही एम्बिगुटी आ रहा है किधर से लेके आवे। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्चुअल, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, वर्चुअल, उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लास इनहेरिटेंस वे, समझ में, अब एरर नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, ना तो वो बी से लेके आएगा ना सी से लेके आएगा, डी जो है वो डायरेक्ट, ये चीज हाइब्रिड लिख लो, हाइब्रिड देख लो, हाइब्रिड में क्या होगा, देखो इधर से ना ऐसे ए बी सी है ना, ये क्या मल्टी लेवल हो गया, इधर भी मल्टी लेवल हो गया, ठीक है ना, इधर एक और हो सकता है, यहाँ पे जेड हो सकता है, जेड को एक्स ने करा, एक्स को वाई ने एडिट करा, ठीक है। अब इधर से भी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, इधर से भी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं इसके पास, ये हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो मल्टी लेवल और क्या मल्टीपल दोनों का मिक्सअप है, तो बना लेना, सिंपल है ये, ठीक है ना। चलो तो वैसे ज्यादा यूज होता नहीं है।